हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्मार्टफोन के बारे में जो कि 15,000 के अंदर में है। तो देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन है जो 15,000 के अंदर में है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अगर आपका बजट 15,000 है और आप सोच रहे हो कौन सा फ़ोन लूँ, तो शायद से ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन सा फ़ोन है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं अबरार टेक और मैं हूं आपके साथ अबरार शेख। तो दोस्तों बात करेंगे हम नंबर 10 स्मार्टफोन की। तो मैंने नंबर 10 पे लिस्टेड किया है रेडमी नोट 9 प्रो को, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है, हाल में ही लॉन्च हुआ। तो आइए देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्प्ले से। तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले निकल कर आ रहा है 6.6 इंच का, इसका आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। प्रोसेसर की बात करेंगे 720G का यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। वेरियंट की बात करेंगे 4GB रैम और 128 के साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और तो दोस्तों बात करेंगे कैमरे की। तो यहाँ पे एक कैमरा निकल कर आ रहा है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का एंड 5 मेगापिक्सल, फिर 2 मेगापिक्सल, यानी कि टोटल आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही इसके बैटरी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 5020mAh का आपको बैटरी देखने के लिए मिलेगा। और लगभग इसकी प्राइसिंग की हम बात करेंगे तो ये आपको पूरा 15,000 के अंदर में मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करेंगे अब नंबर 9 स्मार्टफोन की, जो मैंने नंबर 9 पे लिस्टेड किया है, तो उसका नाम है Redmi 9 Power। हाँ दोस्तों, ये फ़ोन भी बहुत कमाल का है। इसका स्पेसिफिकेशन में भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 4GB रैम के साथ 64GB का स्टोरेज देखने के लिए इसमें मिलेगा। और बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग होने हुई है 10,500। हाँ दोस्तों, 10,500 के रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जिसमें आपको 4128 का स्टोरेज भी देखने के लिए मिल जाएगा, उसकी भी प्राइसिंग लगभग 12,000 तक है। तो दोस्तों और भी इसका वेरिएंट काफ़ी अच्छा है, 6GB रैम और 128GB, ये भी आपको 13,000 में देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे इसका भी स्पेसिफिकेशन निकल कर आ रहा है 6000mAh का ये बैटरी है, जैसे कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है ये फ़ोन पावर है, Redmi 9 Power। तो दोस्तों उसके बाद देखेंगे इसका प्रोसेसर हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे इसके प्रोसेसर की बात करेंगे 662 का Snapdragon प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। और डिस्प्ले की बात करेंगे 6.53 इंच का यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों बात करेंगे कैमरे की, तो यहाँ पे पीछे के साइड में आपको सेम 4 कैमरा देखने के लिए मिलेगा, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का फिर से एक छोटा सा लेंस होगा। तो 2 कैमरा, यानी कि टोटल यहाँ पे आपको पीछे के साइड में 4 कैमरा होगा। तो दोस्तों इसका प्राइसिंग मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपके पास बजट थोड़ा कम है 10,000 तक है, तो आप ये फ़ोन को ले सकते हो मेरे सजेशन से। तो आइए मैं फाइनल में ये भी बताऊँगा कि आपको कौन सा फ़ोन 15,000 के रेंज में सबसे अच्छा लेना चाहिए। तो दोस्तों बात करेंगे नंबर 8वें स्मार्टफोन की। तो यहाँ पे मैंने नंबर 8वें पे रखा है पोको M3 को। हाँ दोस्तों, पोको M3, ठीक आपको भी पता है ये फ़ोन एकदम गेमिंग फ़ोन है, बहुत ऑसम फ़ोन है। इसका कैमरे से लेके प्रोसेसर तक यहाँ पे इसका कमाल का होता है। तो आइए देखते हैं इसकी प्राइसिंग क्या है और ये स्पेसिफिकेशन इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो बात करेंगे सबसे पहले प्राइसिंग की, तो यहाँ पे 11,000 का स्मार्टफोन है, जिसमें आपको 6GB रैम और 64GB तक का स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ ही साथ आपको 6GB रैम और 128 का भी स्टोरेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, वो भी 12,000 में। और दोस्तों इसकी प्रोसेसर की बात करेंगे तो यहाँ पे 662 का यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही इसकी डिस्प्ले की बात करेंगे तो यहाँ पे सुपर एमोलेड के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा 6.53 का फुल HD डिस्प्ले। अब बात करेंगे कैमरे की, तो यहाँ पे इसका कैमरा 84 मेगापिक्सल का आपको पीछे के साइड में 3 कैमरा देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको 2 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का पीछे 2 लेंस देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको टोटल MIUI 12 के साथ देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ज़रूर से अगर आपके पास बजट कम है, आप बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह खेलना चाहते हो, तो गेमिंग के लिए ये फ़ोन काफ़ी बेस्ट है। अगर आपको मोबाइल ज़्यादा टाइम तक चलाना है, यानी कि आप आउटडोर वगैरह काम करते हो लाइक डिलीवरी वगैरह, तो उसके लिए MI 9 Power जो मैंने लास्ट बताया था वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अब देखते हैं अगला मोबाइल कौन सा है। तो दोस्तों बात करेंगे नंबर 7वें स्मार्टफोन की, तो यहाँ पे मैंने नंबर 7वें पे लिस्टेड करके रखा है Infinix 08i। हाँ दोस्तों, ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाता है।
तो सबसे पहले हम प्राइसिंग की ही बात करेंगे। यहाँ पे आपको प्राइसिंग देखने के लिए मिल रहा है 15,000 रुपये, जिसमें आपको 8GB रैम और 128 स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है। आप देखेंगे इसकी डिस्प्ले, तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो निकल कर आ रहा है 6.85 का फुल HD प्लस डिस्प्ले यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और बात करेंगे बैटरी की, तो यहाँ पे बैटरी निकल कर आ रहा है 4500 mAh की इसकी बैटरी है। और बात करेंगे प्रोसेसर की, तो यहाँ पे इसका प्रोसेसर निकल कर आ रहा है हीलियो का, जो कि G90 है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो इन्फिनिक्स के साथ जो ब्रांड वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप ये फ़ोन के साथ जा सकते हो। वैसे ये 15,000 के अंदर में था, इसके लिए मैंने इसको लिस्टेड किया है। बाकी फ़ोन सिर्फ स्टोरेज के लिए खास है, 8GB रैम है और डिस्प्ले भी थोड़ा बड़ा है, इसी वजह से इसको मैंने लिस्टेड किया है। तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वाला फ़ोन के लिए आपको क्या लगता है, सही रहेगा। तो दोस्तों बात करेंगे नंबर 6 मोबाइल की, तो यहाँ पे मैंने नंबर 6 पे लिस्टेड किया है माइक्रो मैक्स नोट 1 को, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था 2020 में। इसका रिस्पॉन्स भी थोड़ा बहुत अच्छा ही आया था क्योंकि ये मेड इन इंडिया था। तो आइए देखते हैं इसकी प्राइसिंग क्या है और इसकी स्टोरेज क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे इसकी प्राइसिंग से, तो यहाँ पे आपको 11,000 में 64GB स्टोरेज के साथ देखने के लिए मिलेगा और 12,500 में आपको 128 के साथ देखने के लिए मिलेगा और 4GB रैम। यहाँ पे आपको दोनों वेरिएंट में आपको 4GB ही रैम देखने के लिए मिलेगा। और उसके साथ ही साथ बात करेंगे बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी लाइफ मिल जाती है। और उसके साथ ही साथ प्रोसेसर की बात करेंगे, तो यहाँ पे इसका प्रोसेसर हीलियो G85 का देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम नंबर 5वें स्मार्टफोन की, तो यहाँ पे मैंने नंबर 5वें पे रखा है नोकिया 5.4 को, जो कि ये भी थोड़ा बहुत कमाल का फ़ोन है एक हिसाब से कह सकते हो। जो आप स्टार्टिंग में यानी कि 2016 या 17 के टाइम में आपको MI Note 3 याद है, हाँ सेम उसी तरह ये फ़ोन है, इसका स्टोरेज, इसका प्रोसेसर। तो आइए देखते हैं इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है। तो बात करेंगे सबसे पहले प्राइसिंग की, तो यहाँ पे 14,000 का ये फ़ोन है जिसमें आपको 4GB रैम के साथ देखने के लिए मिलेगा। और इसकी डिस्प्ले की बात करेंगे 6.39 का इसका डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करेंगे 662 का स्नैपड्रैगन यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अच्छा है। और दोस्तों बात करेंगे इसके स्क्रीन की, तो यहाँ पे 6.9 का स्क्रीन है, तो HD प्लस स्क्रीन है, तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा है, 14,000 जो कि 4GB और 64 के साथ है। तो फिर भी मैंने इसको प्राइसिंग के वजह से लिस्टेड किया है। और इसका थोड़ा सा पावर मेरे को नोट 3 के जैसा लगा, तो नोट 3 भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था। जो लोग यूज़ करे रहेंगे उसको पता रहेगा, जैसे कि मैंने यूज़ किया है, तो ज़रूर से आप कमेंट करके बताइए आपने वो फ़ोन यूज़ किए हो या नहीं। तो दोस्तों बात करेंगे नंबर 4वें स्मार्टफोन की, तो मैंने यहाँ पे नंबर 4वें पे रखा है स्मार्टफोन Realme 7, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बहुत ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स आया था जब ये आया मार्केट में, बहुत ज़्यादा धूम भी मचा है। तो आइए देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले स्टोरेज की, तो यहाँ पे 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ ये आपको लगभग 14,000 में देखने के लिए मिल जाएगा। मे भी थोड़ा सा प्राइस फ्लैक्चुएट होगा, और वो आप चेक कर लेना इंटरनेट पे, लेकिन इसका प्राइसिंग 15,000 के अंदर में ये। हाँ दोस्तों, और बात करेंगे इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे हीलियो G95 का यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेशो के साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और देखेंगे इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्टेड भी दिया जा रहा है, जो कि 30V का रहेगा। हाँ दोस्तों, तो ये जब आया था मार्केट में बहुत ज़्यादा अपना पहचान बनाया था। और बात करेंगे इसके कैमरे की, तो यहाँ पे आपको मेन कैमरा देखने के लिए मिलेगा 64MP का। तो दोस्तों ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग चाहते हो एक हिसाब से ये गेमिंग फ़ोन भी है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग में अगर आपका खेलते खेलते फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते तो आप फटाक से इसको चार्ज भी कर सकते हो। तो आई सजेशन कि ये थोड़ा बहुत ठीक है आपके लिए, अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो फ़ोन में। तो दोस्तों बात करेंगे हम अभी नंबर 3रे स्मार्टफोन की, तो यहाँ पे मैंने नंबर 3 पे लिस्टेड किया है Realme Narzo 20 Pro को। हाँ दोस्तों, ये फ़ोन भी बहुत ज़्यादा कमाल का है, क्योंकि जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया, जैसे कि लास्ट सीन में मैंने बताया कि Realme 7 और इसका स्पेसिफिकेशन जुड़वा भाई है। हाँ दोस्तों, जुड़वा भाई है। मैं आपको इसका प्राइसिंग में थोड़ा सा खाली ऊपर नीचे बस 1000 का शायद से डिफरेंट रहेगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन टोटली सेम है। तो आइए देखते हैं इसमें स्पेसिफिकेशन हमें क्या देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे ये आपको 15,000 में मार्केट में मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ आपको 65V का फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये रियल
गेमिंग फोन है। हाँ दोस्तों, पोको M3 और ये दोनों फ़ोन एकदम गेमिंग फ़ोन है, बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है, गेम के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है। तो बात करेंगे इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा MediaTek G95 का, हीलियो G95 का यहाँ पे प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेगा, और 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका भी मार्केट में। आप चाहो तो और भी वीडियो का रिव्यू या फिर अनबॉक्सिंग वगैरह देख सकते हो। वैसे अभी मैं झूठा कमेंट क्यों करूं, फिलहाल मेरे इस वीडियो पे तो आएगा नहीं, इस चैनल पे तो नहीं आएगा, तो जब भी आएगा टाइम लगेगा थोड़ा। तो दोस्तों बात करेंगे नंबर दूसरे स्मार्टफोन की, तो मैंने नंबर दूसरे पे रखा है Moto G30 को। तो आइए देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके लिए मैंने इसको नंबर दूसरे पे लिस्टेड करके रखा है। तो बात करेंगे प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको 11,000 में ये फ़ोन आपको टोटली देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी कमाल का है। हाँ दोस्तों, और बात करना चाहूँगा इसकी स्टोरेज की, तो यहाँ पे आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और प्रोसेसर की बात करेंगे तो ऑक्टा कोर आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत कमाल का है। हाँ दोस्तों, जो कि बहुत कमाल का इसका प्रोसेसर भी है यहाँ पे, और साथ ही साथ बैटरी तो कमाल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसकी बैटरी निकल कर आई है 5000 mAh, समझ सकते हो, इसीलिए मैंने इसको नंबर दूसरे पे लिस्टेड करके रखा है। तो ये आपको 5000 mAh यहाँ पे 20V का फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड भी देखने के लिए मिलेगा। और बात करेंगे पीछे की तरफ कैमरे की, तो यहाँ पे आपको कैमरा टोटल देखने के लिए मिलेगा पीछे की तरफ 4 कैमरा, जो कि रहेगा 48 मेगापिक्सल, बाकी सब है 2 मेगापिक्सल, सिर्फ एक 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। यहाँ पे टोटल आपको पीछे के साइड में 4 कैमरा देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ज़रूर से कमेंट करके बताना, आपको लगता है मैंने इसको दूसरे नंबर पे लिस्टेड करके रखा है तो सही रखा है। तो दोस्तों वक्त आ गया है नंबर एक पे, नंबर टॉप पे, नंबर सबसे टॉप पे कौन सा फ़ोन है। तो दोस्तों आपको मैं कुछ सेकंड देता हूँ, आप गेस करके बताइए कौन सा फ़ोन होना चाहिए आपके हिसाब से। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि कौन सा फ़ोन है। 1, 2, 3, 4, 5 कर दिए कमेंट। तो दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने नंबर वन पे फ़ोन रखा है Redmi Note 10 को। हाँ दोस्तों, Redmi Note 10 जो कि बहुत बजटेबल फ़ोन है और इसका स्पेसिफिकेशन बहुत कमाल का है। तो आइए मैं फटाफट इसका स्पेसिफिकेशन आपको बताते चलूँ। तो यहाँ पे आपको इसका स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा सर, यहाँ पे आपको पीछे की तरफ 4 कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो कि 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे इसको कैमरा सेटअप होगा। और बात करेंगे इसकी स्टोरेज की, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ देखने के लिए मिल रहा है। सोच सकते हो इतना अच्छा स्टोरेज। अभी मैं प्राइसिंग तो इसका लास्ट में बताऊंगा। तो अब बात करेंगे इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे इसका प्रोसेसर निकल कर आ रहा है स्नैपड्रैगन 678 का प्रोसेसर है यहाँ पे, है थोड़ा ज़्यादा है, बजट में ज़्यादा है। तो मैं प्राइसिंग भी आपको ज़रूर से बताऊंगा, उससे पहले बैटरी तो सुन लीजिए। यहाँ पे आपको बैटरी देखने के लिए मिल रहा है 5000 mAh की, यहाँ पे आपको बैटरी है। अब बता देता हूँ आपको फाइनली इसकी प्राइस, तो यहाँ पे इसकी प्राइस है 12,000 रुपये। 12,000 में इतना अच्छा स्मार्टफोन, इतना स्पेसिफिकेशन और इतना ये सब, काफ़ी कमाल का। तो दोस्तों मैंने पूरे 10 मोबाइल को एक साथ आपके सामने रखा, तो अब ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए आपको सबसे अच्छा कौन सा स्मार्टफोन लगा है। और मैं सजेस्ट करके बताना चाहूँगा नंबर वन वाला, यानी कि Redmi Note 10, जो कि काफ़ी किलिंग फ़ोन है, प्राइसिंग में भी अच्छा है, प्रोसेसर में भी अच्छा है, स्टोरेज में भी अच्छा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो, 15,000 का बजट है, आप कन्फ्यूज़ हो अभी तक कि मैं कौन सा फ़ोन लूँ, तो आप ये वाला फ़ोन ले लें। तो दोस्तों ज़रूर से कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिए, कोरोना टाइम में बी केयरफुल। जय हिंद।